वही राजधानी देहरादून में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले एक से दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वही मैदानी इलाकों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। इसी को लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आदि क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। वही 27 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत एक्टिविटी नहीं है। आज और कल की अगर बात कर लें, आज आपकी 22 तारीख है, कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीबल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप जो है वो मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप, वेरी लाइट, वो रह सकती है आज और कल में। फिर उसके बाद देखेंगे 24, 25, 26 अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है। हाई रिचेज में छुटपुट हो तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ देखेंगे, अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान हमारे एकदम सामान्य पे इस समय चल रहे हैं, चाहे मैदानी क्षेत्र है या आप हिल्स की बात करें। और अभी अगले जो है कहूँगा कि जो 48 घंटे आज और कल अगर बात करें तो इसमें भी तापमान नहीं बढ़ेगा, 24 तक भी इसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, करीब ऐसे ही रहेंगे, आधा एक डिग्री ऊपर नीचे जो इस समय बने हैं वही रहने वाले 2 से 3 दिन में। लेकिन उसके बाद 25 से लेकर 27 में देखेंगे तो उसमें जो है 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। तो आप ये कह सकते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में है 25 से लेकर अगर 27 तारीख के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टेम्परेचर 36 से लेकर 38 तक जो है मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे।